या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमतसे 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम जानेंगे अष्टमी नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त के साथ सभी महत्वपूर्ण बातों को। नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो गई थी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 52 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त माता की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का विशेष महत्व है, लेकिन आखिरी के 3 दिन सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्टमी और नवमी पर घर घर में पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, अष्टमी नवमी पर इसका पारण करते हैं। ज्योतिषाचार्य जी से आइए जानते हैं महाअष्टमी और नवमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ कन्या पूजन का मुहूर्त। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं महाअष्टमी का महत्व क्या है और महाअष्टमी इतनी खास क्यों है। क्योंकि नवरात्रि में अगर आप 9 दिन तक व्रत नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वाले को 9 दिन की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति माँ महागौरी का पूजन होता है। इन्हें अन्नपूर्णा का रूप भी माना गया है। यही वजह है कि महाअष्टमी पर कन्या भोजन कराने से देवी की कृपा बरसती है। इस वजह से ही महाअष्टमी को विशेष मान्यता दी जाती है। और अब जानते हैं महाअष्टमी के महत्व के बारे में। नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी है। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है। अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। साथ ही कलावती नाम की यह तिथि गया संगत है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास है, इसीलिए इस अष्टमी का महत्व अधिक है। ये तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। साथ ही अधिकतर घरों में अष्टमी की पूजा होती है। देव, दानों, राक्षस, गंधर्व, नाग, यज्ञ, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंद्रमुंड राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व है। मान्यता अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं और अष्टमी के दिन सुहागिन औरतें अपने अचल सुहाग के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाती हैं। इसके साथ ही अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही साथ यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विशेष प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि साथ वितरित करना चाहिए। माता को ये चीज़ें अर्पित करें। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पूली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़। इसके साथ ही माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।
माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। इसके साथ ही महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का सूत्रोपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के नौ कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के नौ रूपों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। साथ ही इस दिन भारत के कुछ शहरों में कुमारी का पूजन किया जाता है, संधि पूजा की जाती है। आइए जानते हैं अष्टमी की तिथि कब आरंभ होगी और कब समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को है। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस बार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल 2024 सोमवार को दोपहर में 12:11 पर हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अप्रैल 2024 को दोपहर में 1:23 पर होगी। और अब नोट कर लीजिए, महाअष्टमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त का समय। इस दिन पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त है सुबह में 9:08 से शुरू होगा ये मुहूर्त और दोपहर के 1:58 तक रहेगा। और इस दिन पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त रात में है। रात में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात के 8:11 से लेकर के रात के 9:34 तक है। और अब जानते हैं अष्टमी के दिन के शुभ योग के बारे में। अष्टमी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:16 से लेकर के सुबह के 5:53 तक रहेगा और रवि योग का भी यही मुहूर्त रहेगा। इन योगों में भी कन्या पूजन किया जा सकता है, इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी दिन के शुभ मुहूर्त। और आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि कब आरंभ होगी, साथ ही जानेंगे इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को है। इस दिन देवी की नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को दोपहर में 1:23 से आरंभ होगी। वहीं 17 अप्रैल 2024 को दोपहर में 3:14 तक ये तिथि रहेगी और इसी दिन नवमी तिथि के समापन पर व्रत पारण किया जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त है 5:53 से लेकर के 9:07 तक। वहीं इस दिन दोपहर का मुहूर्त है 3:34 से लेकर के शाम के 6:48 तक। और इस दिन रात का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 8:11 से लेकर के रात्रि के 10:57 तक। तो ये थे महानवमी दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि में नवमी के शुभ योग। 17 अप्रैल की रामनवमी के दिन इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। नवमी के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योग में हवन पूजन करना बहुत ही लाभ देगा। और अब जानते हैं अष्टमी और नवमी दोनों तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का समय है सुबह 11:55 से लेकर के दोपहर के 12:47 तक। और अभिजीत मुहूर्त में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं महानवमी के दिन कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:27 से लेकर के सुबह के 7:51 तक, ये समय रहेगा। इन मुहूर्त में आप दोनों दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे महाअष्टमी और महानवमी के दिन के शुभ मुहूर्त का समय, कन्या पूजन का समय। और अब इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ देवी दुर्गा भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं।
आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम भी वर्षों से सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को समझते हुए हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।